एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात को सफल बताया था। 2024 में बीजेपी को किसी भी कीमत पर रोकना है। विपक्षी एकता पर बोली ममता बनर्जी, कौन किसके साथ आएगा ये बात की बात है, हम बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना चाहते हैं। सी ममता बोली, मैं चाहती हूँ बीजेपी जीरो हो जाए, हम बिहार में ऑल पार्टी मीट करें और एकजुट होने का संदेश दें। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव से मिले नीतीश कुमार, विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने में जुटे। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करना मकसद है, विपक्ष का नेता बनना नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र को बचाने और बीजेपी को हराने के लिए हम सब एक साथ हैं, एकजुट होकर बीजेपी से लड़ेंगे। कोची में पीएम मोदी ने रोड शो किया, कहा आज तक भारत पूरी दुनिया को अब बदलने में सक्षम है, कल वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी का केरल सरकार पर हमला, कहा बीजेपी केरल की पारंपरिक दवाइयां दुनिया तक पहुंचाने में लगी है, लेकिन केरल में कुछ लोग सोने की तस्करी करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी कई सौगात, रीवा में 2300 करोड़ से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय के 9 अभियानों का भी सामूहिक शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 1990 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की गई, जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद से हमारी सरकार लगातार पंचायती व्यवस्था को ठीक करने की काम कर रही है। रीवा में बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी की सरकार ने शहर और गांव के बीच की खाई को कम किया, गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। इम्फाल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, कहा स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने किया ऐलान, कहा नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर हों। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में प्रचार अभियान चलाया, चामराजनगर में रोड शो किया। अमित शाह ने कहा कांग्रेस का जातिवादी ही चरित्र है, बीजेपी सबको साथ लेकर आगे चल रही है, कांग्रेस को करारी हार मिलेगी। कांग्रेस के 40% कमीशन वाले आरोप पर बोले अमित शाह, सबूत है तो कोर्ट जाए कांग्रेस, जनता निराधार आरोपों पर भरोसा नहीं करती है। कर्नाटक के अलूर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के सिद्धलघट्टा में रोड शो किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया ने हमेशा समाज को बांटा, कभी जनता के लिए काम नहीं किया। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम सत्ता में आए तो जीएसटी को खत्म कर देंगे, अमीर लोगों के लिए बनी है जीएसटी। कल से कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, 2 दिनों तक करेंगे प्रचार। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, तेलंगाना में मुस्लिमों को धर्म नहीं बल्कि रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण मिला है। यूपी में माफिया और अपराधी अब अतीत हो गए हैं। पंचायत चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सीएम योगी बोले प्रदेश में अब नहीं होते हैं दंगे, न लगते हैं कर्फ्यू, यहाँ की कानून व्यवस्था नजीर बनी देश के लिए। शामली में सीएम योगी का तंज, गुंडा टैक्स लेने वाले कहाँ चले गए पता नहीं, उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला तक नहीं। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता हुई अंडरग्राउंड, यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने कहा एसटीएफ दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अमिताभ यश बोले गुड्डू मुस्लिम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, अतीक की बहन और बहनोई ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी। अतीक के बेटे असद का नया वीडियो आया सामने, एनकाउंटर के बाद मोबाइल से मिला वीडियो। वीडियो में एक शख्स को बुरी तरह पीट रहा है, लात घूसो और बेल्ट से पिटाई की जा रही है। वीडियो में 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। असद की 2 नई तस्वीरें आई सामने, एक में चेहरे पर लिखा डॉन, दूसरे में गैंगस्टर की तरह सोफे पे बैठा हुआ है। वहीं अतीक के आतंक का एक और वीडियो पुलिस के हाथ लगा है, प्रयागराज के कारोबारी के घर कब्जा करने पहुंचा था माफिया। प्रयागराज में अतीक के दफ्तर मिले खून के डब्बे, कपड़ों से सीढ़ियों तक खून के ही निशान। प्रयागराज के चकिया ऑफिस के किचन और बाकी जगहों पर भी खून के धब्बे मिले, मौके से चूड़ियां और दुपट्टा भी बरामद। अतीक का पुराना फोन बिल सामने आया, लैंडलाइन फोन से देता था धमकी, कई नंबरों से धमकाता था अतीक अहमद। पहलवानों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रेसलर्स की शिकायत पर एक्शन में दिल्ली पुलिस ने खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी। पहलवानों के आरोप पर जांच रिपोर्ट मांगी गई है, खेल मंत्रालय को 6 सदस्यों की निगरानी कमेटी सौंप चुकी है जांच रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के सपोर्ट का विरोध नहीं करेंगे पहलवान, पहलवानों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, घटनास्थल पर सभी दलों के लोगों का स्वागत करते हैं। विनेश फोगाट ने कहा खेल मंत्रालय की तरफ से किसी ने हमसे बात तक नहीं की, ब्रिजभूषण सिंह का इस्तीफा होना ही चाहिए। पहलवानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मिलना चाहिए न्याय। विपक्षी एकता पर नीतीश की कोशिशों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, मुलाकातें तो होती रहेंगी लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा। अमित मालवीय ने कहा विपक्ष का एजेंडा सिर्फ मोदी को हटाव है तो उनको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमित मालवीय का बयान, देश इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही पॉलिसी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के ऊपर लगे आरोपों पर बोली अंकिता दत्ता, किसी ने कोविड के दौरान अच्छा काम किया इससे उसके अपराध नहीं छिपने चाहिए।
महाविकास अघाड़ी के एक साथ चुनाव लड़ने पर असमंजस, शरद पवार के बयान से मचा घमासान। अमरावती में बोले शरद पवार, कहा महाविकास अघाड़ी आज है कल होगी, कहा नहीं जा सकता। शरद पवार के बयान पर बोले संजय राउत, वो महाविकास अघाड़ी के पिलर हैं, लोकसभा चुनाव मिलकर ही लड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी को लेकर पवार के बयान पर मुख्यमंत्री शिंदे बोले, शरद पवार काफी अनुभवी नेता हैं, वो जो भी कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, शरद पवार क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं समझना बहुत मुश्किल है। अजीत पवार विवाद पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, शिंदे सरकार तोड़फोड़ वाली है, कब तक चलेगी बड़ा सवाल। सपा प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने पर भड़के अखिलेश यादव, ट्वीट कर लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास चुनाव लड़ाने तक के लिए प्रत्याशी नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ उद्धव ठाकरे के बयान की एकनाथ शिंदे ने निंदा की, कहा ये बाला साहब ठाकरे की संस्कृति नहीं है। शरद पवार के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कहा जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने की महंगाई राहत कैंप की शुरुआत, बोले केंद्र सरकार भी आ गया है। निकाय चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने नया गीत गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए लॉन्च किया, गीत में अतीक अहमद को भी दिखाया गया है। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट हुआ नया गीत, अखिलेश यादव को केंद्र में रखकर पूरा गाना तैयार किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत 11 जुलाई तक बढ़ाई, गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत मामले में आरोपी है। यूपी में बीजेपी ने मेयर पद के 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया, अयोध्या से गिरीश पति त्रिपाठी और कानपुर से प्रमिला पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह का निधन हो गया, 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कल दोपहर 1:30 बजे जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे, रोल नंबर की मदद से छात्र डाउनलोड कर सकेंगे ई मार्कशीट। तेलंगाना पुलिस ने YSRTP प्रमुख YS शर्मिला को हिरासत में लिया, प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्रवाई। हिरासत में लेने गई पुलिस कर्मियों के साथ शर्मिला ने बदसलूकी की, एक महिला पुलिसकर्मी को चांटा भी जड़ दिया। पुलिस के साथ मारपीट के आरोपों पर शर्मिला की सफाई, कहा पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की, मैंने अपनी आत्मरक्षा में एक कदम उठाया। गुजरात ATS को लॉरेंस बिश्नोई की मिली ट्रांजिट कस्टडी, सीमा पार तस्करी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी कस्टडी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जी स्क्वायर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, रियल स्टेट डेवलपर है जी स्क्वायर। कर्नाटक में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस नेता गंगाधर गौड़ के घर मारा छापा, दक्षिण कन्नड़ में शैक्षणिक संस्थान पर भी छापेमारी। पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर कांड को लेकर NCPCR की बैठक, एक दलित लड़की के कथित बलात्कार और हत्या का मामला। NCPCR प्रमुख ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, कहा चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही राज्य सरकार, मामले की सही जांच नहीं हुई। श्रीनगर में NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद अहमद शकील की संपत्ति कुर्क कर ली। देहरादून के डोईवाला में नए SDRF मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन सीएम धामी ने उद्घाटन किया। बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंची, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का बयान, केदारनाथ यात्रा की सभी मेडिकल रिलीफ पोस्ट की चेकिंग की है, सभी जगह डॉक्टरों की तैनाती है। यूपी के कानपुर में मौसम में बदलाव, शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। हरियाणा के रोहतक में NH9 पर पलटी बस, हादसे में कई लोग घायल। दिल्ली सटे नोएडा के सेक्टर 8 में एक प्राइवेट फैक्ट्री में आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में वार्ड टिकट के लिए 2 गुट भिड़ गए, जमकर हाथापाई हुई। हरियाणा के यमुनानगर में ब्लास्ट, एक घायल, जांच कर रही पुलिस। गुरुग्राम में IPL के लिए सट्टेबाजी करते हुए 5 गिरफ्तार, मौके से कई मोबाइल फोन जब्त। नागपुर के हिंगना में एक फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली के सिद्धार्थनगर में गोलीबारी, 2 नकाबपोश लोगों ने एक अपार्टमेंट के फ्लैट के दरवाजे पर चलाई गोली। आरोपियों ने पहली मंजिल के एक फ्लैट पर गोली चलाई, भागते वक्त ग्राउंड फ्लोर पर एक दूसरे फ्लैट पर भी गोली चलाई। राजस्थान के बाड़मेर में 2 ट्रेलर के टक्कर के बाद लग गई आग, आग में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। मथुरा में 5.25 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, 2 गाड़ियों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार। वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए केस मिले हैं, 9,011 मरीज रिकवर हुए हैं। सुडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया, करीब 500 लोग पोर्ट सुडान में फंसे हुए हैं। सुडान से अपने 300 लोगों को जर्मनी ने निकाला, विदेश मंत्रालय ने कहा हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने लोगों को वहां से निकालें। सुडान से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा फ्रांस, 28 देशों के 400 लोगों को निकाला गया। स्पेन ने भी सुडान से अपने 30 लोगों को निकाला, दूसरे देशों के 70 नागरिकों को भी निकाला। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को जेल, लीमा के जेल ले जाए गए टोलेडो, एक बड़े घोटाले में फंसे हैं पेरू के 4 पूर्व राष्ट्रपति। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, यूक्रेन को संप्रभु देश मानते हैं, पूर्व सोवियत संघ के सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। US डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ, रुपये 1 डॉलर की कीमत 81.91 रुपये। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 402 और निफ्टी 120 अंक की बढ़त के साथ बंद। APM टर्मिनल कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर हुआ रिलीज, 5 अलग अलग भाषाओं में 60 सेकंड का टीजर आउट किया गया। साउथ के सुपरस्टार प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, 16 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।